दोस्तों मेरा नाम है प्रमोद, आपके चैनल भैया जी टेक में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज की डेट में आपको तो ये पता हो गया होगा कि जो वीवो है ऑफिशियली ये कंफर्म कर दिया है कि जो वीवो का फ्रंट टच ओएस है वो वीवो के होममेड कस्टम यूआई यानी ओरिजिन ओएस के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा। और धीरे धीरे दोस्तों ओरिजिन ओएस को लेकर बहुत सारे न्यूज अब आने शुरू हो गए हैं। तो आज इस छोटी सी वीडियो में वीवो के ओरिजिन ओएस के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या न्यूज निकल के आई है। और हाँ दोस्तों, जो वीवो का ओरिजिन ओएस है उसका पहला लाइव इमेज लीक हुआ है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा। हाँ दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए देखते हैं कि ओरिजिन ओएस को लेकर क्या न्यूज आई है। दोस्तों वीडियो में आगे पढ़ने से पहले ये मैं बता दूं कि जो वीवो का होममेड कस्टम यूआई यानी ओरिजिन ओएस है, बहुत हद तक चांस है कि जो वीवो का डेवलपर कॉन्फ्रेंस 19 नवंबर यानी इसी महीने में होने वाला है उसमें लॉन्च किया जाएगा। और जो वीवो का फ्लैगशिप डिवाइस X60 सीरीज होगा उसमें वीवो का ओरिजिन ओएस का फर्स्ट लुक आपको देखने को मिलेगा। और ये भी बता दूं दोस्तों, जो वीवो का X60 होगा वो सैमसंग के एक्सिनो चिपसेट पे काम करेगा। अब दोस्तों बात करें कि क्या न्यूज आई है वीवो के ओरिजिन ओएस को लेके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वीवो ओरिजिन ओएस टेस्टिंग रिपोर्टली बिगन ऑन IQ स्मार्टफोन। तो दोस्तों आप डेफिनेटली कह सकते हैं जो वीवो का होममेड कस्टम यूआई यानी ओरिजिन ओएस है सबसे पहले वीवो के IQ डिवाइसेस में देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे ये भी मेंशन किया है दोस्तों कि वीवो के जो 4 IQ डिवाइसेस है ऑलरेडी इसमें ओरिजिन ओएस का टेस्टिंग चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो IQ डिवाइसेस है उनमें पहला है IQ प्रो, IQ3 एंड IQ Neo 3, ये चारों जो डिवाइसेस है उसमें ऑलरेडी जो ओरिजिन ओएस है उसकी टेस्टिंग चल रही है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे मेंशन किए गए हैं। अब बात करें दोस्तों कि क्या कुछ इमेज आई है ओरिजिन ओएस को लेके, तो ये दोस्तों ओरिजिन ओएस के आई मैनेजर का लुक है। आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे चेंज हो गया है और देखने में बहुत ही अच्छा लुक लग रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आइकॉन के शेप एंड साइज है वो सारे चेंज हो गए हैं। तो ये तो रहा दोस्तों आई मैनेजर का लुक। और अब बात करते हैं दोस्तों कि जो ओरिजिन ओएस का लाइव इमेज लीक हुआ है उसके बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये मेंशन किया है वीवो न्यू ओरिजिन ओएस सपोर्ट स्विचिंग बिटवीन एंड्रॉइड एंड ओरिजिन ओएस ऑन क्लिक ए बटन, यानी कि आपको ओरिजिन ओएस पे 2 बटन मिलेंगे, उसको आप क्लिक करके आप एंड्रॉइड से आप ओरिजिन ओएस पे शिफ्ट हो सकते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे इमेज हाईलाइट की गई है। जो यूजर इंटरफेस मिलेगा ओरिजिन ओएस का उसमें 2 बटन आपको देखने को मिलेंगे, एक को टैप करके आप एंड्रॉइड पे जा सकते हैं, दूसरे पे टैप करके आप ओरिजिन ओएस यूज करना चाहते हैं तो उस पे जा सकते हैं। तो बहुत ही कमाल का फीचर आपको देखने को मिलेगा ओरिजिन ओएस में। तो दोस्तों जैसे जैसे कुछ लीक आएगी हम उसके बारे में आपको इन्फॉर्म जरूर करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए। धन्यवाद।